जापानी एयर कंडीशनर निर्माता कंपनी डाइकिन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक कंवलजीत जावा का पटना आगमन हुआ। इस अवसर पर कंपनी के नए एक्सक्लूसिव शोरूम का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान के मालिक अभिषेक सिंह ने बताया कि उनकी प्रतिष्ठान पिछले 10 वर्षों से डाइकिन के उत्पाद एवं सर्विस अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रही है। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा और कंपनी के भरोसेमंद उत्पाद, यह मेरी ही उपलब्धि है। इस अवसर पर मौजूद रहे कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी कुलदीपक विरमान जी, वरिष्ठ उपनिदेशक APS गांधी सर्विस हेड, कुणाल वाशु क्षेत्रीय प्रबंधक जनाब सारिक अहमद शाखा प्रबंधक ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कंपनी के सभी सर्विस पार्टनर एवं सेल्स पार्टनर मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कंपनी के MD जाबा साहब ने कहा कि बिहार में असीम संभावनाएँ हैं, बस ज़रूरत है यहाँ के युवकों को कुशल बनाने की। इसके लिए कंपनी ने अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ बिहार के युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रेफ्रिजरेशन सेक्टर के लिए तैयार किया जाएगा। यह संस्था पटना के दीघा कुर्जी क्षेत्र में है। जी, बहुत खुशी है कि आज हम लोग अपने यहाँ पे सॉल्यूशन प्लाजा खोल रहे हैं। इस सॉल्यूशन प्लाजा में हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे MD मिस्टर जावा साहब, कंवलजीत जावा जी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये इनकी फर्स्ट विजिट है पटना की, सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी एक्साइटेड कि ये यहाँ पर खुद हैं। तो मैं कुछ अब बोलना चाहूँगा जावा साहब को। मिस्टर विरमानी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। मिस्टर APS गांधी जी भी आए हुए हैं, ये हमारे सर्विस ऑल इंडिया सर्विस के हेड हैं। और मिस्टर कुणाल वासु भी हैं, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर ईस्ट हैं। तो एक पूरी डाइकिन की टीम अवेलेबल है यहाँ पर, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जावा साहब से कि ही कैन से फ्यू वर्ड्स। धन्यवाद शारिक भाई। के कस्टमर्स को हम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स दें और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, इसलिए हम लोग सिर्फ रिटेल पे ही माल नहीं बेचते हैं, हम ऑल्सो सेल्स एंड सर्विस डीलर के थ्रू बेचते हैं। एंड वो हमारी जो है एक डिफरेंशिएशन है, सर्विस जो है हमारा एक मेजर जो है डिफरेंशिएटर है। डाइकिन जो एक कंपनी है, वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है $27 बिलियन की। इंडिया में भी इसकी सेल जो है अब नंबर 1 हो गई है, सभी कॉम्पिटिटर्स को हमने खदेड़ दिया है। $1 बिलियन इंडिया में भी कंपनी हो गई है। ये सिर्फ ऐसा है कि ऐसे ऐसे डीलर्स हमारे साथ में हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ काफ़ी कई सालों से, और जो कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं और अच्छा वर्ल्ड का जो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट भी जो होता है, अगर अच्छी सर्विस नहीं देते हैं तो फिर आप उसको जो है नाम आगे नहीं रख सकते हैं। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी पूरी टीम जो है भारत की यहाँ आई हुई है इनकी सपोर्ट में, और हम अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी जो है अच्छी विशेष देते हैं इनको सक्सेस होने। सर, अगर बिहार के लिए स्पेशल भी कुछ है, क्या निवेश हो रहा है सर आपकी कंपनी के द्वारा यहाँ पर? देखिए, हम जो है हमारा आइडिया ये है कि हर घर में AC लगे अभी, तो वो इसीलिए हम Tier 3, Tier 4 में जा रहे हैं और इसको घर घर की कहानी बनाना चाहते हैं। जो मिलेगी उनको तो ऐसे ही हमारे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंसेप्ट है हमारा, कि हर जगह आप अपना ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं खोल सकते, तो हम जो लोकल कॉलेजेस से ITI से कोलेब्रेशन करते हैं। तो अभी बिहार में हमारा नहीं है कोई ऐसा सेंटर, बट हम खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ के बच्चे लोग जो हैं, जो 12th करते हैं ITI वाले, उनको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, और वो जितने भी बच्चे ट्रेनिंग लेके निकलेंगे मैक्सिमम फिर डाइकिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे डीलर के साथ में काम करेंगे। तो ये घर की आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं हम। जल्दी आई थिंक विदिन 3 महीने के अंदर इसी क्वार्टर में ही हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करेंगे। वो सेंटर सर पटना में ही होगा? हाँ जी, पटना में। अच्छा, 10 साल के बाद आज हुआ इनॉग्रेशन। जावा साहब आए हमारे पास, डाइकिन की पूरी टीम का मेरे बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट रहा। हम लोगों में ने भी करीब करीब 20 से 25 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है अपने यहाँ। तो हम लोगों को ज़रूरत होती है ट्रेंड मैन पावर की, तो वो हम लोगों ने कंपनी से रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास पूरी टीम है सपोर्ट की, मशीन्स के साथ साथ एक्चुअल ट्रेनर्स जो हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो हम लोगों के प्रयास से सर ने अभी जैसा कि कहा कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोग खोल रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोग को ट्रेंड मैन पावर मिलेंगे, तो हम लोग को और सर्विस फास्ट देने में कस्टमर को सुविधा होगी। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आगे फिर एक और शोरूम खोलने का हम लोग का प्लान है आरा शहर में। एक हम लोगों ने खोला है बिहार शरीफ में, अभी और हम लोग जल्दी 6 महीने के अंदर खोलने वाले हैं आरा।